वृंदावन चार मासूम बच्चों को छोड़कर लापता हुई पत्नी की तलाश में पति अपने बच्चे को माँ से मिलाने के लिए दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। वहीं पति ने अपनी पत्नी के गुम हो जाने की तहरीर थाना कोतवाली में दी है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नगर के ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र में रहने वाले वीरेंद्र ने थाना कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि 12 सितंबर को उनकी पत्नी घर से बाजार सब्जी लेने के लिए गई हुई थी। जब वह काम करके घर वापस लौटा तो बच्चों ने बताया कि मम्मी सुबह की गई हुई हैं, अभी तक घर वापस नहीं लौटी। जब उसने सुबह अपने रिश्तेदारों व ससुराली जनों से संपर्क साधा तो वहां भी उसका कुछ पता नहीं लग सका। बारह तारीख को किसी के सके आपको? हाँ। कैसे आपको कैसे मालूम किस पर सके आप? मेरा बच्चा बता रहा है। क्या बता रहा है? बता रहा है मुश्ताक से बात करती है फोन पर। दुबह दुबह मुश्ताक कहाँ का रहने वाला है? मुश्ताक गौरव नगर कॉलोनी गिलारी मंदिर के पास। पहले आपने उसके बारे में तहरीर दी मुश्ताक के बारे में? हाँ, पहले तक सुना था। अभी फिलहाल आपने मुश्ताक के बारे में बताया कि मुश्ताक ले गया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया आपने? पुलिस को आपको बताना चाहिए, बच्चों ने बताया? बच्चों ने मुझको बताया, मुझे तो अभी मालूम पड़ी है। पहले भी ले गई तो पहले भी उसके साथ चली गई थी? पहले भी दूसरा कांड है। कब गई थी उसके साथ में? पहले मार्च अप्रैल के महीने में। तो जब आपने उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कराई थी? सर कंप्लेंट नहीं कराई मैं। इससे कितने बच्चे हैं आपका? चार बच्चे हैं। कितने साल हुई शादी के आप? 11वीं साल चल रही है। पीड़ित का कहना है कि बच्चों ने उसे बताया कि उसकी मम्मी गिरधारी मंदिर गोरानगर निवासी मुश्ताक अली खान पुत्र सलीम से फोन पर बात करती थी। पूर्व में भी उक्त युवक ही उससे अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया था। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जाँच शुरू